नमस्ते बच्चों, आपकी हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कुछ चित्र दिखाऊंगी और आप मुझे उन वस्तुओं के नाम बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चित्र है, आप बताइए यह क्या है? बिल्कुल सही, यह है एक बिल्ली। अब दूसरा चित्र देखिए और बताइए यह क्या है? शाबाश, यह है एक चम्मच। अब यह क्या है? अरे वाह, आपने तो बिल्कुल सही पहचाना, यह है एक बत्तख। और यह है एक डिब्बा। और इसे तो आप बहुत आसानी से पहचानेंगे, यह है एक रस्सी। तो बच्चों, क्या आपने अनुभव किया कि इन सभी चीजों के नामों में कुछ समानता है? नहीं तो दोबारा सुनिए, बिल्ली, चम्मच, बत्तख, डिब्बा, रस्सी। आया कुछ समझ? इन्हें बोलने का ढंग कुछ अलग है, हम हर शब्द में थोड़ा रुककर दबाव डालकर बोल रहे हैं। जैसे बिली नहीं बिल्ली, चम्मच नहीं चम्मच, ऐसे ही बत्तख, डिब्बा और रस्सी। अब ध्यान दीजिए कि इन्हें लिखने का ढंग भी कुछ अलग है। आप देखेंगे कि हर शब्द में एक व्यंजन दोहराया गया है, पहले आधे रूप में और फिर पूर्ण रूप में। यह है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन मतलब जब एक ही व्यंजन पहले आधा आता है और फिर पूरा। तो पहले जानते हैं कि आधा व्यंजन क्यों आ रहा है। देखिए, अगर हम लिखें तो आप इसे क्या पढ़ेंगे? बिली, है ना? पर यह तो गलत होगा। और अगर हम लिखें तो आप इसे पढ़ेंगे बिल्ली, पर यह भी गलत है। हमें तो लिखना है बिल्ली, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? ऐसे, पहले आधा ल और फिर पूरा ल। आइए देखें एक और उदाहरण। हमने लिखा तो आपने पढ़ा रसी, हमने लिखा तो आपने पढ़ा रससी, पर हमें लिखना है रस्सी, तो रस्सी कैसे लिखेंगे? बिल्कुल सही, ऐसे, पहले आधा स और फिर पूरा स। ऐसे ही अगर आप बाकी शब्दों को लिखकर देखेंगे तो आप अंतर समझ जाएंगे। तो अब आपको समझ आया कि द्वित्व व्यंजन का प्रयोग कहां करना है। आइए अब सीखते हैं कि इन्हें लिखना कैसे है। पहले सीखते हैं कि आधा व्यंजन कैसे लिखा जाता है। तो बेटा, जब भी आप किसी व्यंजन को आधा लिखना चाहें तो आपको क्या करना है, व्यंजन के नीचे एक ये चिन्ह लगाना है। इस चिन्ह को बोलते हैं हम हलंत। जब भी किसी व्यंजन के नीचे ये हलंत लगा है तो उसका मतलब है कि व्यंजन आधा है। ठीक है, ऐसे ही कुछ और व्यंजन लिखकर देखते हैं। ये सभी व्यंजन, अगर मैंने इनके नीचे हलंत लगाया तो इसका मतलब हुआ कि ये व्यंजन आधे हैं।
इनको लिखने का एक और ढंग है, जितने भी खड़ी पाए वाले व्यंजन हैं, अगर उनको आपने आधा लिखना है तो आप उनकी खड़ी पाए को हटा दीजिए, कुछ ऐसे। ये इसी प्रकार और ये स। कुछ व्यंजन बेटा जैसे क, अगर इसको आधा लिखना है तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, का मतलब हुआ यह आधा क है। इसी प्रकार ह, इसको भी आधा लिखने का ढंग क्या है, हम ये ले गए और ये जो है इसको यही अधूरा छोड़ना है, नीचे नहीं ले जाना है, ठीक है। कुछ व्यंजन जिनमें खड़ी पाए नहीं है जैसे ट, ड, ठ, इन सब के नीचे सिर्फ हलंत लगाएंगे आप, इनको आप इसी तरह आधा लिख सकते हैं। चलिए अब सीखते हैं कि द्वित व्यंजन को लिखने का ढंग क्या है। तो बेटा अगर मुझे लिखना है यह द्वित व्यंजन आधा स और पूरा स, तो मैं लिख सकती हूँ या तो ऐसे हलंत के साथ, या हलंत हटाकर इसको लिख सकती हूँ मैं ऐसे। उदाहरण देखते हैं, एक शब्द हमने किया रस्सी। इसी प्रकार देखिए, अगर मुझे न लिखना है तो मैं लिख सकती हूँ आधा न और पूरा न ऐसे, या फिर कुछ पुस्तकों में आप देखेंगे इस प्रकार, ठीक है। उदाहरण देखिए, गन्ना, या फिर गन्ना ऐसे, ठीक है। इसी प्रकार अगर मुझे लिखना है यह द्वित व्यंजन, तो मैं लिखूंगी इसको ऐसे, आधा ब और फिर पूरा ब। उदाहरण देखिए, अब्बा, चलिए आगे देखते हैं, आधा द और पूरा द। तो बेटा इसको या तो आप लिखेंगे ऐसे, या फिर आप देखेंगे कुछ पुस्तकों में इसको इस प्रकार, द के नीचे ही एक और द। उदाहरण देखिए, गद्दा, ऐसे ही देखिए, अगर मुझे म लिखना है आधा म पूरा म, तो मैं कैसे लिखूंगी, इसको लिखेंगे हम इस प्रकार। उदाहरण, चम्मच। बेटा अभी देखिए, ये आधा त और पूरा त, इसको हम या तो लिखेंगे इस प्रकार, या हम इसको लिखेंगे इस प्रकार। उदाहरण देखिए, पत्ता, या फिर पत्ता इस प्रकार। अभी देखिए, आधा क और पूरा क, जैसे मैंने आपको बताया था क को हम अधूरा छोड़ देते हैं तो वह आधा व्यंजन माना जाता है। इस प्रकार उदाहरण देखिए, चक्की। इसी प्रकार हम लिखेंगे आधा प और पूरा प, तो प क्योंकि खड़ी पाए वाला व्यंजन है, हम
खड़ी पाई को हटा सकते हैं। इस प्रकार उदाहरण देखिए, चप्पल। अभी देखिए बेटा, मुझे लिखना है आधा ड और पूरा ड, तो या तो मैं लिखूंगी इस प्रकार हलंत के साथ, नहीं तो आप देखेंगे कुछ पुस्तकों में ये लिखा होता है इस प्रकार, एक ड के नीचे दूसरा ड। उदाहरण देखते हैं, गुड्डा, या ऐसे, या फिर इसको आप लिख सकते हैं ऐसे। बिल्कुल इसी तरह जब हमें लिखना है आधा ट और पूरा ट, तो बेटा या तो हम इसको लिखेंगे हलंत के साथ या फिर एक ट के नीचे दूसरा ट। उदाहरण देखिए, पट्टी, या तो हम लिखेंगे ऐसे हलंत के साथ या ऐसे। तो बेटा यह थे द्वित्व व्यंजन। अब आप सब द्वित्व व्यंजन वाले कुछ और शब्दों को ढूंढिए और उन्हें पढ़ने और लिखने का अभ्यास कीजिए। हम मिलेंगे अपनी अगली कक्षा में कुछ और नई जानकारी के साथ।